ऐप के माध्यम से आप अपने किसी भी सवाल का जवाब डाउटनट से ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ बायोलॉजी के भी डाउट को खोल सकते हैं, वो भी डाउटनट के साथ। इसके लिए आपको करना क्या है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 8400400400, उसे अपने मोबाइल पर सेव कर लेना है और व्हाट्सएप पर आ जाना है सेव करके। इसके बाद उसी नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप पर कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको जो भी क्वेश्चन ना आ रहा हो उसकी फ़ोटो, सिंपल से यहाँ पे फ़ोटो आपको खींचना है। इसके बाद आपको करना क्या है, फ़ोटो खींचने के बाद इस क्वेश्चन को आपको क्रॉप कर देना है। जितना भी जो भी क्वेश्चन आपको ना रहा हो उसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे क्रॉप कर देना है। और जैसे ही आप इसे क्रॉप करेंगे और ऐसे ही भेज देंगे इसी नंबर पर, तो जैसे ही भेजते हैं तो आपका डाउट कुछ ही सेकंडों में आपका डाउट आपके सामने आ जाता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डाउटनेट का गुड क्वेश्चन सर्चिंग सोल्यूशन इन 10 सेकेंड आपका क्वेश्चन का। ये देखिए दोस्तों आपका भी। हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आपको फिजिक्स एनसीईआरटी में आपको मैं एलसीआर परिपथ, एलसी परिपथ, मैंने आपको एलसीआर परिपथ बता दिया, एलसी परिपथ और एलआर परिपथ, मतलब तीनों परिपथ आपको श्रेणी क्रम में जब जब ज्वाइन होते हैं तब तब मैंने आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। तो आज मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स बताऊँगा जो कि आपके एग्जाम पर आ सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपको किए बिना बोर, आइए शुरू करते हैं वीडियो को, क्योंकि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मुझे आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेंगे। इस वीडियो का टारगेट रख देता हूँ मैं लाइक का। अगर आप मुझे इस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको, ये न्यूमेरिकल 100% पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम पर। ये न्यूमेरिकल नहीं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स एलसीआर परिपथ का न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है और 2020 में भी आएगा 101%। उस न्यूमेरिकल में आपको मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप नीचे वीडियो के, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि उस वीडियो को बनाना चाहिए और इस वीडियो पे 100 लाइक पहुँचाएँगे। कितने लाइक, 100 लाइक पहुँचाएँगे। तो देखिए सबसे पहली बात हमारी यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे दिया गया है कि एलसीआर परिपथ की बात की गई, एलसी परिपथ किसकी, कह रहा है एक एलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ अनुनाद की स्थिति तभी होती है जब एक्स सी बराबर होता है एक्स एल के। क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है एक्स एल के। तो दोस्तों जब ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो जब इनके लिए आप फ्रिक्वेंसी, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनुनाद की स्थिति में है तब धारिता, यानी कि हमें सी की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है 1×10⁻⁶ फैराड। क्या दी गई है, 1×10⁻⁶ फैराड। इसके बाद कह रहा है कि प्रेरकत्व, यानी कि एल, एल बराबर कितना दिया गया है 0.25 हेनरी, प्रेरकत्व तो है। फिर इसके बाद कह रहा है परिपथ, परिपथ की दहली आवृत्ति क्या, दोलन आवृत्ति क्या होगी, यानी दोलन आवृत्ति यानी एफ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो जब आप इनको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास एक फार्मूला आ जाता है सिंपल सा। कौन सा फार्मूला आ जाता है, ये फार्मूला आ जाता है कि, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है एफ बराबर 1/, जानते होंगे आप परिपथ की, जब अनुनादी परिपथ की जब हम फ्रिक्वेंसी यानी धारिता का आवृत्ति के का सूत्र लेते हैं तो ये होता है 1/2π और रूट के अंदर, इधर रूट लग जाएगा और हो जाएगा एल सी। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एल सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू 1/2π को हम ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे रूट के अंदर एल और सी की वैल्यू रख लेते हैं। तो एल की हमारे पास वैल्यू कितनी दी गई थी, 0.25 हेनरी। तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करता हूँ तो हो क्या जाएगा, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा देखिएगा, ये रूट लगा हुआ है यहाँ पे हो जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा रंग जा रहा था वो, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर,
ये हो जाएगा 1/2 पाई। इसके बाद एल सी यानी एल का मान हमें देखिए दिया गया है 0.25, यहाँ से हो जाएगा 0.25 इंटू में हमें सी की वैल्यू दी गई है 1 × 10⁻⁶, तो इसको लिख देंगे। फिर इसके बाद इस रूट को पूरी तरह से लगा देंगे दोस्तों, और फिर क्योंकि हमारे पास ये जो फार्मूला होता है पूरा पूरा अपान में होता है, तो यहाँ पर ये 1 इधर लिख लेते हैं और ये 2π ये लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सी मिस्टेक इसलिए हो जाती है क्योंकि मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं है, वीडियो थोड़ा कठिनाई से बनानी पड़ती है। फार्मूला 1/√ के अंदर 1/2π × LC होता है। तो अब नेक्स्ट लाइन पे हमारा हो क्या जाएगा, देखिएगा एफ बराबर, समझिएगा बहुत गौर से, एफ बराबर हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/2π। इसके बाद ये रूट जो है ना, ये 25 जो लिखा हुआ है, तो जब हम इस दशमलव को इधर लाएंगे दो अंक, तो घाते हमारी कैम बढ़ेंगी, माइनस में करेंगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 × 10⁻²। और इसके बाद हमारा वहाँ पे लिखा गया है 10⁻⁶, और ये पूरा रूट के अंदर बंद है, गाय के अंदर बंद है, पूरा रूट के अंदर बंद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जब लिखेंगे कैलकुलेट करके, तो ये क्या हो जाएगा 1/2π, और ये लगा दिया मैंने रूट, और ये हो क्या जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 और इंटू ये 10⁻⁶ और 10⁻², जो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁸। तो अब इसे हम क्या करेंगे, रूट के बाहर कर लेंगे, तो कुल मिला के टोटली क्या आ जाएगा 1/2π, क्या आ जाएगा टोटली दोस्तों 1/2π। और इसके बाद 25 का हम 5 बार कर लेंगे, और पावर से जो आधी पावर बाहर आ जाती है, तो 10⁻⁴। अब इनका मल्टीपल करा लेंगे तो हो जाएगा 1/ देखिएगा यहाँ पे, अब इनका मल्टीपल करा लेंगे तो हो जाएगा 1/5 × 10⁵ इंटू में 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁴। ये 10 है तो इसको जाके एक पावर माइनस कर देगा, तो 1 × 10⁻³ क्या आ जाएगा 3। इसका क्या जाएगा आंसर, यानी कि हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी का मान कितना आ जाएगा एफ इक्वल टू इतने हर्ट्ज। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारे पास पाई जो था ना, ये बराबर हमारे स्वरूप में चल रहा है, तो यहाँ पे 1/π होगा, क्या होगा 1/π, चाहे तो आप इसका मान भी रख सकते हैं, तो आंसर वही आएगा। तो बस दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे ने क्या लिया है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। यहाँ पे न्यूमेरिकल जो लिया गया है वो है, कह रहा है मुक्त आकाश में, यानी कि जो आकाश है ना वो पूरी तरह से मुक्त है, क्या है मुक्त आकाश में 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज की आवृत्ति, यानी कि हमें एफ इक्वल टू कुछ मान दिया गया है। क्या दिया गया है, एफ बराबर हमें दिया गया है 3×10⁻⁹ हर्ट्ज की आवृत्ति है। कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको निकालना है विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि सी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य, यानी लेमडा का मान हमें चाहिए, क्या का मान चाहिए हमें, लेमडा का मान चाहिए। तो हम जानते हैं कि सी बराबर फार्मूला होता है न्यू लेमडा, ध्वनि के लिए क्या होता है सी बराबर न्यू लेमडा, तो इधर से हम लेमडा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा लेमडा बराबर C/ν। अब C की वैल्यू रख देंगे न्यू की वैल्यू, तो सी की वैल्यू होती है 1 × 10⁸ m/s, ये सी जहाँ है प्रकाश की चाल, और वी दोस्तों क्या होता है, वी हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, ये v0 ये फ्रीक्वेंसी के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप एफ भी कर सकते हैं, ये v0 ये जो होता है ना ये फ्रीक्वेंसी होता है, इसको एफ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू दिए गए 3 × 10⁹, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁴, ये ऊपर जाएगा −19, और −19 में जब ये प्लस का घटेगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 11, तो यही हमारा क्या हो जाएगा तरंग दैर्ध्य का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा आपके, बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप इसे एंगस्ट्रॉम में बना सकते हैं, तो जब इसे आप एंगस्ट्रॉम में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1 एंगस्ट्रॉम, क्या हो जाएगा 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में कैसे बनाना है आप बहुत अच्छे जानते होंगे क्योंकि आप अब इंटर के छात्र हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट है, क्या है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है ना वो 5 वोल्ट है,
वोल्ट प्रति मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा? तो यहाँ पे आपको दिया गया है ई बराबर, जहाँ पे आयाम की बात करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम यहाँ पे दिया गया है 5 वोल्ट प्रति मीटर। तो हमसे पूछा गया है विद्युत क्षेत्र का ना, तो बी विद्युत क्षेत्र का आयाम हमसे पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि ई पान बी बराबर फार्मूला होता है सी, तो यहाँ से हमसे बी पूछा गया है, तो हम बी बराबर फार्मूला यहाँ से निकालेंगे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा ई अपान में सी। अब ई की वैल्यू रख देंगे तो ई की वैल्यू क्या है, 5, और सी की मतलब प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल अभी भी मैंने बताई 3 × 10⁻¹⁸ होता है, प्लस का 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड। तब हो क्या जाएगा, हम बी बराबर निकालेंगे तो ये 3 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 3 × 3 और बचेगा क्या 2, तो 20 हो जाएगा। तो 3 × 6 = 18, तो ये हो जाएगा 6, और ऊपर जाएगा तो 10⁻¹⁸ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10⁻¹⁸। तो ये दोस्तों हमें मान निकालना था जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।